जिमी शेरगिल की फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 इसलिए खास है क्योंकि इसमें संजय दत्त मुख्य भूमिका में हैं। कुछ देर पहले ही इस फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया है जिसमें संजू बाबा गैंगस्टर के लुक में दिख रहे हैं, हाथ में गन, आंखों में चिंगारी और रेड सूट पहनकर बॉस सीट पर संजू बाबा बैठे हुए हैं। बाबा के इस अवतार को देखने के बाद फैंस खुशी से झूम उठे हैं। अब तो ये कहना ही पड़ेगा कि संजय दत्त इज बैक इन एक्शन। साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 में संजय दत्त की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इस फिल्म की पिछली सीरीज ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। साहेब बीवी और गैंगस्टर फिल्म के पहले पार्ट में रणदीप हुड्डा ने गैंगस्टर का रोल निभाया था जिसे खूब पसंद किया गया। इस फिल्म के पार्ट 2 में इरफान खान ने गैंगस्टर की भूमिका की जिसमें बढ़िया एक्टिंग की और पार्ट 3 के लिए ऑप्शन भी छोड़ा। ऐसे में साहेब बीवी और गैंगस्टर पार्ट 3 में इरफान खान की जगह संजू बाबा ने ले ली है जिनका ये खतरनाक लुक आप देख रहे हैं। इससे पहले फिल्म की तरफ से संजय दत्त का हेयर स्टाइल वाला लुक वायरल हुआ था जिसमें वे बेहद डेंजर लग रहे हैं। तिग्मांशु धुलिया की इस फिल्म में चित्रा गंदा सिंह, माही गिल, कबीर बेदी, दीपक तिजोरी और नफीशा अली भी मुख्य भूमिका में हैं। हमारी न्यूज़ आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप हमें सब्सक्राइब भी करें।